हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजू एजुकेशन पर। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 31। यानी इससे पहले आप सभी को पता होगा जितने कैंडिडेट्स बने हुए हैं पहले से ही हमारे साथ, तो 30 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट इस सीरीज में हो चुके हैं। तो उन सभी के मार टेस्ट भी लिए जा चुके हैं। यानी हम मार टेस्ट का मतलब होता है 1 से 10 टेस्ट रोज़ाना लेते हैं। जैसे मान लो एक टेस्ट लेते हैं तो 10 दिनों के अंदर 10 टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम 11वें दिन इन 10 टेस्टों को ऐड कर देते हैं, ताकि कोई भी कैंडिडेट अगर बीच में से किसी ने कोई भी टेस्ट नहीं देखा तो वो सभी को एक साथ देख सकते हैं, वो उनको फ़ायदा हो जाता है। या जब भी एग्ज़ाम हो तो आपको बारी बारी से अलग अलग टेस्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक मार टेस्ट चला के छोड़ दोगे तो उसके अंदर 1 से 10 टेस्ट कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और इस सीरीज़ के अंदर 3 महा टेस्ट हो चुके हैं। पहला हुआ था 1 से 10 के बीच, दूसरा हुआ था 11 से 20 के बीच, तीसरा हो गया था 21 से 30 के बीच। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई थी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, तो दोस्तों कल लगी थी करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर हमने 500 क्वेश्चन कवर करवाए थे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो DRDO में भी पूछे गए थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस। तो जिस भी कैंडिडेट ने नहीं देखा देख लेना, और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी करंट अफेयर तो आपको भी पता है सभी भर्तियों के लिए उपयोगी होता है, तो ज़रूर देखना, वो वीडियो अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पर। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 31 नंबर ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, अंत तक जरूर देखना इसको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके। एक सिक्रोंस मशीन या एक सिक्रोंस मोटर या एक तुल्यकालिक मोटर है, तो उसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव या आर्मेचर रिएक्शन बोला जाता है जिसको, इफेक्ट किसके ऊपर निर्भर करता है, लोड करंट पर या लोड के पावर फैक्टर पर या मशीन की गति पर या ए और बी दोनों, बताइए कौन सा आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, जल्दी से बता दीजिए। सिक्रोंस मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव किसके ऊपर निर्भर करता है, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट जिसको आप बताए जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों पे निर्भर करता है। ए और बी मतलब एक तो करता है लोड करंट के ऊपर, यानी लोड करंट कितनी है, दूसरा करता है लोड के पावर फैक्टर के ऊपर, यानी इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। ये आपको ध्यान रखना है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। रोटर बार का स्क्यू, यानी स्क्यू बोला जाता है जिसको, जिसको बोल सकते हैं हम हिंदी में प्रक्षेपण, तो वो किसको समाप्त कर देता है, किसको कर देता है, स्पेस हार्मोनिक्स के प्रभाव को या रेंगने के समस्त प्रभाव को, या उसको क्राउलिंग बोला जाता है इंग्लिश में रेंगने को, या चुंबकीय शोर को, या रोटर पर असमान बल के कारण उत्पन्न भिन्नता को, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। रोटर बार का स्क्यूज किसको समाप्त कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्पेस हार्मोनिक्स के प्रभाव को कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका आंसर होता है जल्दी से क्या होगा। प्रत्यावर्तकों को या जो अल्टरनेटर्स होते हैं उनको खालिस्तान के रूपों में निर्धारित किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है, KW के रूप में, KVAR के रूप में, या KVA के रूप में, या KWH के रूप में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रत्यावर्तकों को किसके रूप में निर्धारित किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी KVA के रूप में निर्धारित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आप सभी के लिए, ये तो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, KVA किलो वोल्ट एम्पियर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है केवल हल्के लोड पर कम होता है, या केवल भारी लोड के ऊपर कम होता है, या हल्के और भारी दोनों लोड पर कम होता है, या केवल रेटेड लोड पर कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से टाइप कर दीजिए। एक स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर है या एक पिंजरा प्रकार की
तो उसका पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल हल्के लोड के ऊपर ही कम होता है। जैसे जैसे इस मोटर का लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही इसका पावर फैक्टर भी बढ़ता जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है, केवल हल्के लोड पर कम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा निरूपित करता है, क्या करता है? चालक में ईएमएफ की गति की दिशा, या फ्लक्स की दिशा, या चालक में धारा प्रवाह की दिशा, या चालक में वोल्टेज। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको निरूपित करता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चालक की गति की दिशा को इंगित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा। यातायात वाहनों को चलाने के लिए आप किस प्रकार की मोटर का चुनाव करेंगे? डीसी श्रेणी मोटर यानी सीरीज मोटर बोला जाता है, या डीसी शंट मोटर, या संचयी संयुक्त डीसी मोटर यानी कम्युलेटिव प्रकार की जो डीसी मोटर होती है वो, या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, बताइए कौन सा आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, यातायात वाहनों को चलाने के लिए आप किस प्रकार के मोटर का चुनाव करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी डीसी श्रेणी मोटर का चुनाव करना पड़ेगा। यानी यातायात वाहनों के अंदर कौन सी मोटर का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, या जो विद्युत से चलने वाली जो ट्रेनें होती है या जो मेट्रो वगैरह होती है उनके अंदर कौन सी मोटर लगी होती है दोस्तों? ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है, तो उनके अंदर हमेशा डीसी सीरीज मोटर लगी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा, जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर, किसी ट्रांसफॉर्मर के नो लोड अनास के दो घटक हैं, अनास मतलब हानि, नो लोड हानि के दो घटक होते हैं, वे होते हैं एक तो भंवर धारा हानि, दूसरा होता है हिस्टेरेसिस हानि। तो ट्रांसफार्मर के किस भाग में हिस्टेरेसिस हानि उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। हिस्टेरेसिस हानि कहाँ पे उत्पन्न होती है, कोर में होती है, या ब्रीदर में होती है, ट्रांसफार्मर ऑयल में होती है, या कंजर्वेटर में होती है, बताइए कौन सा आंसर होगा। ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो हानि को हमेशा अनास ही लिखा हुआ आता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। किसी ट्रांसफार्मर के नो लोड हानि के दो घटक होते हैं, एक होता है भंवर धारा हानि, दूसरा होता है हिस्टेरेसिस हानि। तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में हिस्टेरेसिस हानि उत्पन्न होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कोर में होती है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे होती है, कोर में उत्पन्न होती है हिस्टेरेसिस हानि। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा। पावर ट्रांसफार्मर कोर की रचना के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, किस पदार्थ का होता है दोस्तों? मर्दू स्टील का, या उच्च कार्बन स्टील का, या सिलिकॉन स्टील का, या स्टेनलेस स्टील का। यह तो सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल क्वेश्चन है। पावर ट्रांसफार्मर कोर की रचना के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी स्टेनलेस स्टील का किया जाता है दोस्तों, यह तो सभी को पता होगा, स्टेनलेस स्टील। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है इक्वलाइजर बार का मुख्य कार्य दो ओवरलोड कंपाउंडेंट डीसी जनरेटरों के समांतर परिचालन को खालिस्तान करना होता है, स्थिर करना होता है, स्थिर को मतलब स्टेबल, या संभव करना होता है, या नियमित करना होता है, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा? क्या कार्य होता है इक्वलाइजर का, इक्वलाइजर बार होती है उसका मुख्य कार्य है दो ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर है तो उनके समांतर परिचालन को क्या करना होता है, स्थिर, संभव, या नियमित। जल्दी से टाइप कीजिए आंसर जिसको भी बताया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ए, यानी स्थिर करना होता है, स्टेबल, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है इक्वलाइजर बार का मुख्य कार्य।
जब दो ओवर कंपाउंड जनरेटर से ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर होते हैं, अगर वो समांतर क्रम में चल रहे हैं तो उनको स्टेबल करना। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है पीसीबी की। पीसीबी पर पुर्जों के संयोजक सिरों को टांका लगाने हेतु बनाए जाने वाले वर्ताकार छल्ले क्या कहलाते हैं? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्या कहलाते हैं वर्ताकार छल्ले? पेच, आइलैंड, चकती या पेट? पीसीबी जानते होंगे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे कसे जाते हैं, जो एक जाली होती है जो बैकलाइट की बनाई जाती है, तो उसके अंदर छेद होते हैं, या कई जो ऐसी होती है जिनके अंदर छेद निकालने पड़ते हैं, तो उसके ऊपर पुर्जे कसे जाते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी वगैरह, तो उस जाली को ही बोला जाता है या उस प्लेट को बोला जाता है पीसीबी। तो पीसीबी पर पुर्जों के संयोजक सिरों को टांका लगाने हेतु बनाए जाने वाले वर्ताकार छल्ले क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उसको पेड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पेड। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। पीसीबी की वह पार्श्व जिसके ऊपर पुर्जे जड़े जाते हैं क्या कहलाती है? तामर पार्श्व या टांका पार्श्व या ट्रैक पार्श्व या पुर्जा पार्श्व, बताइए कौन सा आंसर होगा। पीसीबी की वह पार्श्व जिसके ऊपर पुर्जे जड़े जाते हैं क्या कहलाता है, यानी जिसके ऊपर पुर्जे जड़े जाते हैं उस साइड को क्या बोला जाता है? तामर पार्श्व बोला जाता है या टांका पार्श्व या ट्रैक पार्श्व या पुर्जा पार्श्व बोला जाता है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पुर्जा पार्श्व बोला जाता है इसको, जहाँ पे पुर्जे कसे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है? सेल को आवेशित करके या जस्ते के इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर, जस्ते के इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर, या सेल को केवल कुछ मिनटों तक प्रयोग करके, या सेल का शोषक रूप में निर्माण करके, कौन सा आंसर होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह भी, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है क्वेश्चन। प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? जल्दी से बताइए जिसको भी आंसर बताए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जस्ते के इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाना, इसके द्वारा हम स्थानीय क्रिया दोष को दूर भी कर सकते हैं, और एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या बोला जाता है या क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है धातु शोधन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया या धातु शोधन क्रिया की जाती है जस्ते के इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाना, जिससे कि स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा। अधिकतम दक्षता के दौरान किसी ट्रांसफार्मर का कॉपर हानि 1000 वाट है, तो आयरन हानि क्या होगी? 1200 वाट, 1000 वाट, 900 वाट या 800 वाट? ये तो लगभग पता होगा सभी को। अधिकतम दक्षता के बारे में बात की गई है, यानी दक्षता अधिकतम है, ध्यान से देखिएगा, यानी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा इसका आंसर। ये देखिए अधिकतम दक्षता दे रखी है, तो इसके दौरान किसी ट्रांसफार्मर की कॉपर हानि तो 1000 वाट दे रखी है, और आयरन हानि के बारे में पूछा गया है कितनी होगी। तो दोस्तों हमेशा अधिकतम दक्षता के ऊपर दोनों समान होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1000 वाट। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है जब कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर हो, या कॉपर हानि आयरन हानि से अधिक हो, या कॉपर हानि आयरन हानि से कम हो, या कॉपर हानि शून्य हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान कब होगा, यानी दक्षता उसकी अधिकतम जब होगी जब
कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर होगी या अधिक होगी या कम होगी, बताइए कब होता है? यानी इन दोनों हानियों के ऊपर ही डिपेंड करती है हमेशा दक्षता ट्रांसफार्मर की। अगर हमें ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम चाहिए तो इसका मतलब हो जाएगा, एक मिनट रुकिए कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर होगी तभी अधिकतम मान होगा किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? थ्री फेज इंडक्शन मोटर के परिचालन का सिद्धांत समान है सिंक्रोनस मोटर के, रिप्लेसन स्टार्ट इंडक्शन मोटर के, शॉर्टेड सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर के, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के परिचालन का सिद्धांत किसके समान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी शॉर्टेड सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर के समान होता है। समझे आ गया होगा आप इसी को। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सभी को यह टेस्ट आज वाला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जितने कैंडिडेट्स ने देखा है, और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी कैंडिडेट्स को पता चले उसके ऑनलाइन इन टेस्टों के बारे में। आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उन सभी पर शेयर कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जो नया कैंडिडेट है वो अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, फिर फेसबुक पेज को लाइक करना, और साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप अज्जू एजुकेशन का। तो वहीं पे आपको मिलेगी इन टेस्टों की पीडीएफ, यानी सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल करवाएंगे आपको पीडीएफ फाइल। तो आप सभी से कहना चाहूँगा अज्जू एजुकेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम का ऐप्स डाउनलोड करना है, जिसने नहीं कर रखा तो ऐप्स डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च बॉक्स दिखाई देगा ऊपर, उसके अंदर आपको लिखना है अज्जू एजुकेशन, यानी ये आपको यहाँ पे लिखनी होगी स्पेलिंग अज्जू एजुकेशन। बाद में आ जाएगा एक तो टेलीग्राम चैनल, एक आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो धन्यवाद दोस्तों आप सीखा इस वीडियो को देखने के लिए। आपका भरोसा हमारा साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।